values. नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजाइन न्यूज की तरफ से सबसे पहले आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और उसके साथ साथ आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो के अंदर जो बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड का सफर तय करने वाले राजकुमार खुराना जी हमारे साथ हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। और बॉलीवुड के एक्टर होने के साथ साथ वो एक बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं और अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं। आइए हम सब मिलकर उनके साथ उनके जीवन के बारे में कुछ चीजें जानना चाहेंगे, जिनसे हमें हमेशा मोटिवेशन मिलता है और मिलता रहेगा। तो मैं उनका अपने डिजायर न्यूज के अंदर, डिजायर परिवार के अंदर स्वागत करता हूं। आपकी जर्नी के बारे में लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी जर्नी बड़ी लंबी रही और अभी आपकी एक लेटेस्ट फिल्म भी आने वाली है अनोखैन साहब, तो आप क्या कहेंगे इस जर्नी के बारे में? हाँ, नमस्कार संजीव जी, और मैं डिजायर न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को यहाँ पे बुलाया और आपने मेरे को इतने बड़े मंच पर बुलाया। और मैं आप सब दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूँ जो आप मुझे इतना चाहते हैं और बराबर में से प्यार बनाए रखते हैं। तो मैं आपके आगे यही बोलूंगा कि मेरी जो स्टार्टिंग थी जी, वो एक्चुअली स्टार्टिंग तो थिएटर से हुई थी। हालांकि थिएटर से मैं इतना नहीं जुड़ा, तो एक दो प्ले ही किए थे, लेकिन उसके बाद मैंने मिस्टर अजीज कुरैशी जी 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 जो थे उनके अंडर में मैंने काम किया। वहाँ से मैंने सीरियल्स की मेरी स्टार्टिंग हुई सुपर सिक्स से, और उसके बाद मैंने उनके साथ भी कई सीरियल्स किए और इस तरह से मैं बराबर सीरियल्स और टेली मूवीज करता चला गया। वेरी गुड। तो इस तरह से करते हुए एक बार मैं दिल्ली के कुतुब मीनार के पास शूटिंग कर रहा था जी, तो वहाँ पर मुझे एक प्रोड्यूसर ने देखा जिनका नाम था वी के मैनी सर। तो उन्होंने जो है बराबर मेरे को देख के बराबर बताया कि इस तरह से तुम फीचर फिल्मों में क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं ट्राई करते। तो ड्यू टू मेरा कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था, तो इस वजह से मैंने बोला मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मेरा फैमिली में दूर दूर तक कोई भी इस लाइन में कोई भी नहीं था। लेकिन उन्होंने मेरे को गाइड किया, जिसकी वजह से फिर मैं मुंबई गया और वहाँ से मेरी फिल्मों की शुरुआत हुई। मेरी स्टार्टिंग जो मूवी थी वो नागपुर मूवी से हुई एज अ हीरो, जो कि हॉरर मूवी थी। तो इस तरह से मेरा मूवी में स्टार्ट हो गया और एक एक करके मेरे को कई पिक्चर्स मिलनी शुरू हो गई, जिसमें कुछ रिलीज हुई कुछ रिलीज नहीं भी हुई। तो इस तरह से सिस्टम चलते हुए तो प्रभु की कृपा से फिर मेरे को थोड़ा तमिल साइड भी जाने का मौका मिला। अच्छा। हाँ, तो बराबर मैं अभी उसमें भी कर रहा हूँ काम, तमिल मूवीज में भी। तो इस तरह से करते हुए मेरा सेटअप बनता चला गया और अभी हिंदी मूवीज में भी मेरा अभी 25 नवंबर को भी मेरी पिक्चर रिलीज हुई थी मुगल सराय जंक्शन, बिल्कुल, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ऊपर थी। जी जी जी। तो वो मेरी रिलीज हुई मूवी। और अभी मेरी लेटेस्ट अभी अनोखा इंसाफ, जो कि मेरा मेन नेगेटिव रोल है इसमें, ये रिलीज होने जा रही है। उम्मीद है शायद फरवरी या मार्च में बराबर ये रिलीज हो जाएगी। तो इसी के साथ मेरी और मूवीज भी रिलीज हो रही हैं, जिसमें से एक का नाम है कर्टेन, एक का नाम है स्टार्टअप और एक का नाम है गेम ऑफ 100 करोड़। तो ये भी मेरी बहुत जल्दी रिलीज होने जा रही है। ड्यू टू कोरोना सब काम रुका हुआ है, आप समझ सकते हैं, तो ये भी सब जरूरी है। तो इसी तरह से करते हुए मेरे को आगे फिर चांस मिला हॉलीवुड में भी। अच्छा। तो बराबर मुझे वहां से भी गैलिना कबानी है वहाँ की सीईओ, तो वहाँ से उन्होंने मेरे को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया। और अभी जस्ट 21 दिसंबर 2021 में मेरे को एप्रिसिएशन अवार्ड भी मिला हॉलीवुड की तरफ से, तो जिसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ गैलिना जी का। और इसी के साथ मेरे को हॉलीवुड की भी पिक्चर्स मिली हैं बराबर, जिसमें डॉक्टर एल एम मदानी जी हैं। हाँ जी, उन्होंने मेरे को अपने पिक्चर में लिया है फिनिक्स वुमन में, और एक मिस्टर सुनील बब्बर जी हैं जिन्होंने मेरे को काउंट 10 में लिया है। और इसी तरह से मुन्नी एरोनी हैं, वो आगे एक प्रोजेक्ट करने जा रही हैं, तो उनके साथ भी मैं जुड़ा हूँ। तो इस तरह से मेरा सेटअप हॉलीवुड में भी शुरू हो गया। नहीं, बहुत अच्छा आपका सफर। देखिए
सुनील बब्बर जी भी अपने आप में एक इंटरनेशनल फिल्म मेकर हैं। एक चीज आप हमें बताइए, खुराना जी, पब्लिक जानना चाहती है, एक एक्टर के लिए जब नेगेटिव रोल होता है, जैसे अभी आपने बताया अनोखा इंसाफ में आपने नेगेटिव कैरेक्टर किया है, तो जब नेगेटिव कैरेक्टर आपको करना पड़ता है तो उसमें आपको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव एकदम नेगेटिव है जी। इसमें मैं यही कहना चाहूंगा, एक्चुअल में जो नेगेटिव कैरेक्टर अगर आप निभाते हैं तो लोगों को लगना चाहिए यू आर द नेगेटिव कैरेक्टर, तुम वाकई में विलेन हो, जिसमें वो गालियां भी देते हैं और सब कुछ देते हैं। अगर वो तुम्हें गालियां देती हैं तो इट मीन्स एप्रिसिएशन है तुम्हारे लिए, तारीफ है कि वाकई में हमने उसमें कुछ करके दिखाया है। तो इस तरह से बराबर हमें कैरेक्टर में ही खोना होता है, चाहे वो पॉजिटिव कैरेक्टर है या नेगेटिव कैरेक्टर है। तो हमें सबसे पहले कैरेक्टर की बैकग्राउंड देखनी पड़ती है, देखना पड़ता है वो किस माहौल से है, कहाँ से आया है, किस खानदान का रहने वाला है, किस तरह से, तो वो सब चीजें स्टडी करके हमें उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, तो जिसके बाद हम उस किरदार को जी पाते हैं। बिल्कुल खुराना जी, बहुत अच्छी बात आपने कही और दर्शक इस बात को अप्रिशिएट भी करेंगे, क्योंकि एक कलाकार के लिए अपनी कला को दिखाने के लिए उस अभिनय में घुसना पड़ता है, उस अभिनय के अंदर उसको जीना पड़ता है। एक बात और बहुत अच्छी है कि जब आपने बॉलीवुड से हॉलीवुड का सफर किया है, तो हॉलीवुड में आपको कैसा लगता है कि क्या आज हम जो हमारा बॉलीवुड है वो हॉलीवुड के टक्कर का है, या अभी हम उनसे कुछ पीछे हैं, या उनकी टेक्नोलॉजी हमारे से अभी कई ज्यादा गुना अच्छी है? सर ऐसा है, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है या मैं समझता हूँ, उनकी हालांकि टेक्नोलॉजी हमारे से काफ़ी अप है, लेकिन बॉलीवुड उनसे कम नहीं है जी। तो आज की डेट में बॉलीवुड की भी मूवीज़ हॉलीवुड से कम नहीं बन रही, और एक से बढ़कर एक मूवी बन रही है जो कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा रही हैं, और पूरे वर्ल्ड वाले उस चीज़ को मानते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स और बॉलीवुड की इंडस्ट्री भी काफ़ी अप आ चुकी है। तो ऐसा मैं नहीं मानता कि बहुत पीछे है, तो उनसे कम भी नहीं है, तो पूरे ढंग से एक टक्कर दे रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, देखिए कि क्योंकि आप लोग उस फील्ड के हैं, आप उस के अंदर अपनी जिंदगी जीते हैं, सुबह से शाम तक आपकी शूटिंग चलती रहती हैं, तो टेक्नोलॉजी तो नेचुरली डे बाय डे हमारी भी अच्छी होती जा रही है, हम कुछ ना कुछ वो हमारे से सीखते हैं, हम उनसे सीखते हैं। और आपकी आने वाली मूवी के लिए तो मैं तहे दिल से दर्शकों से भी कहूंगा कि वो उसको देखें, अनोखा इंसाफ एक बहुत अच्छी मूवी है जैसा कि मैंने स्टोरी को देखा है। और उसके साथ साथ जो एक सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने आप को फिट रखने के लिए स्पोर्ट्स में जो है आपकी रुचि कैसे शुरू हुई? सर जहां तक मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स से तो जरूर जुड़ना चाहिए जी, जिसकी वजह से आपकी फिटनेस बनी रहती है, और अगर आप फिट हैं तो आप कोई भी काम लगातार कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपका स्टैमिना काफी बिल्डअप हो जाता है, और आपका शरीर ठीक रहेगा तभी आप काम कर सकते हैं। तो मेरे को एक्टिंग में भी बहुत सहायता की है फिटनेस ने और मेरे स्पोर्ट्स ने जी जी। तो स्पोर्ट्स से भी मैं बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ, जो कि मेरा टेबल टेनिस गेम है, और टेबल टेनिस में भी मैंने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक खेला, और पूरे ढंग से अभी भी मैं खेल रहा हूँ। तो बराबर अभी लेटेस्ट भी अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही मैं अभी भी पंजाब के, पंजाब में होकर के आया हूँ लुधियाना में, तो वहाँ भी मेरी थर्ड पोजीशन रही, मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो पूरे ढंग से उसमें भी मैं एक्टिव रहता हूँ, वहाँ एक्टिव मींस कि एक फिटनेस बनी रहती है, और फिटनेस बनी रहेगी तो वो चाहे एक्टिंग है या कोई भी काम है आप कंटिन्यूसली कर सकते हैं, आप थकेंगे नहीं। बिल्कुल खुराना जी, एक चीज और आप बताइए कि जो आने वाले यंग हमारी जो जनरेशन है उनका रुझान है बॉलीवुड की तरफ, हर इंसान चाहता है कि वो बॉलीवुड का एक अच्छा एक्टर बने, तो आप उनको डिजायर न्यूज की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए और किस तरीके से वो बॉलीवुड के अंदर एंटर कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं डिजायर न्यूज की तरफ से ये बताना चाहूंगा जो नए कलाकार हैं कि उनको किसी भी काम में, मान लीजिए आप एक्टिंग में जाना चाहते हैं या डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, जिस भी काम में आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ी सी उसमें कोचिंग लीजिए, उसमें आप सीखिए उस आर्ट को, जिस भी आर्ट में आप जाना चाहते हैं। तो जब आपको वो चीज़ आ जाएगी तो मेरे ख्याल से आप जरूर पहुंचेंगे, बस उसमें आपको कंटिन्यूसली उस काम में लगे रहना है। हाँ ये जरूर है कि उसमें बराबर कुछ रुकावटें आ सकती हैं, पेशेंस को बनाए रखना है, पेशेंस बनाए रखेंगे तो जरूर आज नहीं कल प्रभु हमारी सहायता करेंगे और जरूर हम
अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों देखिए, कुराना जी ने कितनी अच्छी बात बताई है आपको कि एक आदमी को अगर इस फील्ड के अंदर जाना है तो उनको जरूर किसी ना किसी ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए, उनको उनका पैशन भी होना चाहिए और पैशन के साथ साथ उनकी पेशेंस भी बहुत जरूरी है। जैसा कि बताया गया है कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, अगर आपके पास पेशेंस है तो आप उसको कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है दोस्तों, आज राजकुमार खुराना जी हमारे स्टूडियो आए, डिजाइन न्यूज के तहे दिल से इस नव वर्ष की शुभकामनाएं भी देता हूं कि उनकी आने वाली फिल्म हॉलीवुड के अंदर तो वो धमाल करेंगे, साथ के साथ उनकी अनोखा इंसाफ जो मूवी है उसको भी आप देखिए और उनकी और आने वाली जो वेब सीरीज है उनमें भी वो नजर आएंगे आपको। तो डिजाइन न्यूज में उनका आने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच संजीव जी।